आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की बात करें दोस्तों तो गजब का इनका करियर रहा है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त करियर रहा है। इन्होंने भारत में बैडमिंटन को पॉपुलराइज किया, अगर ये नहीं होती तो बैडमिंटन इतना पॉपुलर होता ही नहीं। जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था 2012 में, ब्रॉन्ज मेडल वैंग जिन को हराया था, तब साइना नेहवाल इतना ज्यादा फेमस हो गई थी कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी यंग यंग लड़कियों ने बैडमिंटन को ज्वाइन किया। वैसे दोस्तों बैडमिंटन की बात करें तो फीमेल प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेस हैं। हम ज्वालागट्टा को देखते हैं, हम साइना नेहवाल को देखते हैं, हम पीवी सिंधु को देखते हैं, और ये सब कहां से हैं? हैदराबाद से। तो पता नहीं हैदराबाद की मिट्टी में क्या है, शायद बिरयानी में है वहां की, क्योंकि बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है। आपको एक और चीज बता दूं, बिरयानी की बात की तो साइना नेहवाल पहले वेजिटेरियन थी, बाद में ये नॉनवेज हो गई, क्योंकि पुलेला गोपीचंद जो इनके कोच थे उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम इंटरनेशनल खेल रही हो तो वहां पे वेज खाना नहीं नॉनवेज ही मिलता है। तो बहुत मुश्किल था साइना नेहवाल के लिए भी, लेकिन पहले वो वेजिटेरियन थी, बाद में नॉनवेज हो गई और अभी भी नॉनवेज है। ठीक है, तो साइना नेहवाल की हम बात करेंगे दोस्तों, काफी कुछ देखेंगे, इनके पूरे करियर को जानेंगे, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग करियर रहा है। 3 ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चलकर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। खुशखबरी दोस्तों, स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल ऐप पॉकेट न्यूज लॉन्च हो गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इंस्टॉल करें, अपना नंबर डालें, ओटीपी आएगा, सबमिट करें और एंजॉय करें। चलते फिरते पढ़ते रहिए दोस्तों। अगर हम साइना नेहवाल की बात करें दोस्तों तो 17 मार्च 1990 को इनका जन्म हुआ था हिसार हरियाणा में। दोस्तों आपको पता ही है कि एक तबका हरियाणा में ऐसा है जो बिल्कुल भी मतलब फीमेल प्रो नहीं है। ठीक है, और पहले तो ऐसा बोला जाता था कि हरियाणा में बहुत सारे गांव में अगर कोई लड़की जन्मी तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, हर कोई यहाँ पे चाहता है कि बस लड़का ही जन्मे। इवन ऐसा बोला जाता है, हालांकि साइना नेहवाल को खुद भी ये चीज नहीं पता, लेकिन इनके पिताजी बताते थे कि जब साइना पैदा हुई थी तो इनकी दादी ने इनका मुंह तक नहीं देखा था, ताकि वो चाह रही थी कि बेटी बेटा पैदा हो। हालांकि साइना नेहवाल बहुत ही कम 7 साल की थी जब वो हैदराबाद शिफ्ट हो गई, तो उनके पिताजी तो इतना नहीं बताते, लेकिन फिर भी इनके पिताजी ये बताते थे कि किस तरीके से हरियाणा में ये सारी चीजें होती हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां ये पूरा प्रचलन है, वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लड़के पैदा हो, लेकिन इनके पिताजी इनका पूरा सपोर्ट किया। इनके पिताजी का नाम है हरवीर सिंह नेहवाल और इनकी माताजी का नाम है उषा रानी नेहवाल। आपको बता दूं कि सिंस ये हरियाणा से हैं, और भैया हरियाणा में खेती तो हरियाणा में ही होती है, पंजाब में ही होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन वहीं से शुरू हुआ ना। तो हम ये देखते हैं कि हरियाणा में इनके पिताजी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। जी हाँ, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पीएचडी है ये, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है। हालांकि इनकी जो माताजी है वो हाउसवाइफ है, लेकिन इनके पिताजी बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं दोस्तों। नेशनल लेवल तो नहीं खेला, लेकिन कॉलेज में चैंपियन, स्टेट में चैंपियन, और इनकी माताजी ने भी बैडमिंटन खेला है। तो दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन ऑलरेडी रह चुके हैं, लेकिन बाद में इन्होंने पीएचडी कर ली और ये साइंटिस्ट हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जब साइना नेहवाल बहुत ही छोटी थी, ठीक है, तब इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। पहले इनके पिताजी हिसार में थे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया हैदराबाद। हालांकि इनके पिताजी को 5 चॉइस मिली थी कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप कानपुर जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन इनके पिताजी ने हैदराबाद चुना, तो हैदराबाद ये शिफ्ट हो गई। अब पता नहीं, साइना नेहवाल खुद बोलती है पता नहीं उन्होंने क्यों हैदराबाद चुना, लेकिन साइना नेहवाल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। इसलिए दिक्कत हो गई क्योंकि नॉर्थ से सीधा साउथ इंसान शिफ्ट हो रहा है, लैंग्वेज कल्चर सब अलग, खाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, लैंग्वेज तेलुगु वहां पे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी साइना नेहवाल क्या बोल रहे हैं। जिस स्कूल में जाती थी दोस्तों उस स्कूल में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। दिक्कत इसलिए होती थी कि इनका, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन बैठता नहीं था, और साइना नेहवाल वैसे ही काफी रिजर्व नेचर की हैं, ठीक है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो हमेशा से ही बहुत स्मॉल रहा है और अभी भी बहुत स्मॉल है, तो वैसे ही वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती थी। तो घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस यही हो गया था, पूरा शेड्यूल यही हो गया था। लेकिन उसके बाद जब इनके पिताजी ने ये देखा कि साइना बोर हो रही है, नन्ही साइना को कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा, तो इनके पिताजी ने ये सोचा कि इनको कराटे सिखवा दिया जाए। तो इनको कराटे सिखाया। जी हाँ, ब्राउन बेल्ट है भैया साइना नेहवाल, कराटे में ब्राउन बेल्ट है, अच्छा खासा मतलब इनको लड़ाई आती है, ठीक है ना, तो लड़ने में भी माहिर है वैसे। तो साइना नेहवाल ब्राउन बेल्ट है,
कराटे में ब्राउन बेल्ट, लेकिन उसके बाद फिर साइना नेहवाल को बहुत ही जल्दी एहसास हुआ कि मुझे कुछ और करना है, ठीक है, मेरा शायद पैशन कुछ और है। तो इनके पिताजी के एक दोस्त हैं, उन्होंने इनके पिताजी को बोला कि तुम साइना नेहवाल को बैडमिंटन खिलाओ, क्योंकि तुम भी एक बहुत अच्छे बैडमिंटन रह चुके हो और तुमको भी पता है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इनके पिताजी साइना नेहवाल को बैडमिंटन खिलाने के लिए ले गए, ठीक है। और जो साइना नेहवाल की जिंदगी के पहले कोच थे रानी प्रसाद और गोवर्धन, तो उन्होंने साइना नेहवाल को देखा और उन्होंने बोला कि आप अगले साल आइए, अभी मत आइए, क्योंकि हमारे सेशंस क्लोज हो चुके हैं, एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं, अभी हम नहीं लेंगे। लेकिन तब इनके पिताजी ने, अब इनके पिताजी कोई बहुत बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर तो थे नहीं, इनके पिताजी ने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार बस इसको खेलते हुए देख लीजिए। तब उन कोच ने बोला कि ठीक है, हम खेलते हुए देख लेते हैं। और साइना नेहवाल ने जो पहला शॉट मारा वो था स्मैश, और वो ऐसा मारा कि कोच इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि तुरंत साइना नेहवाल को अपने साथ ले लिया। और यहां से फिर इनका करियर शुरू हुआ। इन्होंने फिर सेंट एंस में पढ़ाई भी की और उसके बाद फिर इनका करियर शुरू हुआ। इन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र में। उसके बाद दोस्तों, अच्छा एक चीज और बता दूं कि इनकी जो शादी है वो परुपली कश्यप से हुई है। ये खुद भी एक बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर है। बता दूं कि ये साथ में ही खेलते थे साइना के साथ और इंस्टीट्यूट में ही मिले थे, ठीक है। और उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और अच्छी बात है कि दोनों एक ही फील्ड से हैं, सुपर कपल इनको बोला जाता है। वैसे बता दूं कि परुपली कश्यप और साइना नेहवाल को कभी भी साथ में देखे तो बड़ा मजा आता है, कभी भी अगर वो साथ में इंटरव्यू करते हैं। परुपली कश्यप बिल्कुल साइना नेहवाल के अपोजिट है। परुपली कश्यप गाना गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, इनको खाना बनाना आता है। साइना नेहवाल को इनमें से कुछ नहीं आता, ना उनको खाना बनाना आता है, ना उनको गाना गाना आता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो फिल्में बहुत देखती हैं। साइना नेहवाल कपिल शर्मा शो और फिल्मों की बहुत बड़ी फैन है, बताती है। शाहरुख खान की तो बहुत ही बड़ी फैन है, ठीक है। लेकिन परुपली कश्यप बिल्कुल गाना गाते हैं और काफी ज्यादा पैम्पर करते हैं साइना नेहवाल को, ठीक है। तो ये सुपर कपल है। हालांकि आपको बता दूं कि इन दोनों का मतलब, ये दोनों जब खेलते थे तभी इन दोनों में अट्रैक्शन हो गया था। अब दोस्तों अगर आप फोकस कर रहे हैं और अगर ये चीजें साथ में चल रही है तो अक्सर देखा हमने फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनके कोच अक्सर ये बोलते थे कि फोकस मत डिस्टर्ब करना, लेकिन परुपली कश्यप और साइना नेहवाल दोनों इतने माहिर खिलाड़ी थे कि ये इस चीज से और ज्यादा फोकस्ड हो गए। इन्होंने कभी भी फोकस अपना मतलब कभी भी फोकस नहीं हटने दिया। और 2018 पिछले साल 14 दिसंबर 2018 को दोनों ने शादी कर ली और ये बहुत ही खुशी का मोमेंट था। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि साइना नेहवाल ने इनिशियल अपनी ट्रेनिंग ली और फिर पुलेला गोपीचंद ने रिटायरमेंट ले लिया था बैडमिंटन से और उन्होंने अपनी एकेडमी खोल ली थी। वो नेशनल कोच बन गए थे, नेशनल ट्रेनिंग कोच बन गए थे और उन्होंने अपनी एकेडमी खोल ली थी। तो ज्यादातर जिनको भी बैडमिंटन सीखना होता था वो इसी एकेडमी में जाते थे अगर अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। तो पुलेला गोपीचंद तो भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं, तो उन्होंने साइना नेहवाल को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने साइना नेहवाल को ट्रेनिंग देना शुरू किया, वैसे बता दूं कि पुलेला गोपीचंद पीवी सिंधु के भी कोच हैं, जी हाँ। और अभी बताऊंगा कि स्टोरी कि ऐसा बोला जाता है कि साइना नेहवाल और पुलेला गोपीचंद में कुछ विवाद हो गया था। साइना नेहवाल ने पुलेला गोपीचंद को एक टाइम पे छोड़ दिया था और वो चली गई थी कोच विमल के पास, वहां पे इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि पुलेला गोपीचंद पीवी सिंधु पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, जिसकी वजह से साइना नेहवाल पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिप हो गया था, ठीक है, एक समय पे। तो उसीलिए उन्होंने बैंगलोर वो चली गई, बैंगलोर शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लेकिन इससे पहले 2003 में जब मतलब 2000 के दौरान जब पुलेला गोपीचंद से उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की तब कमाल हो गया। 2003 में उन्होंने अपना पहला जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीता सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर 2004-2005 में इनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रहा। 2006 में इन्होंने अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप जीती और इन्होंने हिस्ट्री बना दी। एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया था और ये पहली इंडियन प्लेयर बनी थी, बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू डू सो। दो बार, इनफैक्ट दूसरी बार ही जीता था, ठीक है। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज हुई। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, फर्स्ट इनके साथ लगता ही है, ठीक है। इन्होंने, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने बताया कि भारत में इन्होंने बैडमिंटन को पॉपुलर किया है। क्यों पॉपुलर किया, क्योंकि ये हर चीज में पहली भारतीय बनी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को जीतने वाली, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद शी वॉज द फर्स्ट टू विन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, इसमें भी फर्स्ट लग गया। उसके बाद
बैडमिंटन का वर्ल्ड कप, ठीक है, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है ना, वैसे ही बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है, सुपर सीरीज जिसको बोला जाता है। तो 2009 में पहली इंडियन बनी जिसने सुपर सीरीज टाइटल जीता, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद दोस्तों 2010 में ऊबर कप हुआ, ऊबर कप के फाइनल्स तक साइना नेहवाल जो है वो अपनी पूरी बैडमिंटन टीम को ले गई। फिर 2010 में इंडियन ओपन ग्रैंड प्री हुआ, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। उसके बाद दोस्तों अगेन सुपर सीरीज टाइटल में, यहां पे हम इन्होंने सुपर सीरीज टाइटल को ही जीता, ठीक है, और ये दूसरा सुपर सीरीज टाइटल था, ठीक है, साइना नेहवाल का सेकेंड सुपर सीरीज टाइटल था, ठीक है। और साई जू यिंग जो कि बहुत ही बड़ी चाइनीज प्लेयर हैं, आपको बता दूं कि चाइना में बैडमिंटन बहुत ही लोकप्रिय है और चाइना के जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो बहुत ही खतरनाक, इनफैक्ट जो टॉप 10 रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे BWF की, तो उसमें 5 तो चाइना के ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, इतना आसान नहीं है भैया चाइना के प्लेयर्स को हराना, और इन्होंने चाइना के प्लेयर्स को हराया 2010 में ही दोस्तों। इनको अपनी करियर हाई वर्ल्ड की तीसरी सबसे बेहतरीन थर्ड रैंकिंग मिली BWF के द्वारा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। इससे पहले क्योंकि कोई भी फीमेल खिलाड़ी कोई भी वर्ल्ड नंबर 3 तक गई नहीं थी। उसके बाद इन्होंने लगातार अपनी तीसरा सुपर सीरीज टाइटल जीता, ठीक है ना, तो ये भी कमाल हो गया। जापान में हुआ था, लगातार तीसरा सुपर सीरीज टाइटल जीता, बैक टू बैक सुपर सीरीज टाइटल जीता, और उसमें भी ये पहली बन गई, ठीक है। और यहां पे फिर भारत में इनका नाम होना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, वो 2012 का ओलंपिक सबसे बड़ा था जब ये पहली बनी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में, ठीक है, वो कमाल का दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा था, ठीक है। 2012 में जो फाइन जो मतलब सेमीफाइनल हुआ था, हालांकि फाइनल तक ये नहीं जा पाई थी, ठीक है, वैंग जिन से हुआ था, लंदन ओलंपिक्स था वो दोस्तों 2012 में, आपको याद होगा, और 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये कमाल का कर दिया था। फिर उसके बाद 2010 में इनको नंबर 2 रैंकिंग भी मिली थी, और अब ये नंबर 1 भी बनने वाली हैं, जी हाँ, गोल्ड मेडल भी जीता था 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये सब रिकॉर्ड्स है दोस्तों, ठीक है। वैसे साइना नेहवाल खुद ही बताती, देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी में सिर्फ स्पोर्ट्स होता है। साइना नेहवाल खुद बताती हैं कि हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा नहीं है। अब जब मैं देखती हूं कि मेरे अगल बगल जो हैं, बहुत लोग डिस्को में जाते हैं, बहुत लोग पार्टी करते हैं, लेकिन हम स्पोर्ट्स पर्सन पार्टी नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपना गेम खेलते हैं। इवन जब हम लोगों से बात भी करते हैं तब भी हम ज्यादा गेम्स की ही बात करते हैं, तो कभी कभी काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। अब यहां पे मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे ये लोग पार्टी में घूमने जा मतलब पार्टी में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वैसे हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे जैसे ये लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से मैं ओलंपिक में मेडल लेके आई हूँ, ये लोग नहीं ला सकते, तो ये फिर हम लोग को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, ये कमाल का कमाल की एक फीलिंग है। तो ये सारी चीजें हैं और यही सब साइना नेहवाल को बहुत बड़ा बनाती हैं। 2012 में दोस्तों उन्होंने ढेर सारे टूर्नामेंट जीते, स्विस ओपन जीता, थाईलैंड ओपन जीता, इंडोनेशियन ओपन जीता, डेनमार्क ओपन जीता, फ्रेंच बैडमिंटन ओपन जीता, बहुत सारे प्राइज दोस्तों जीते। और 2012 में तो लंदन ओलंपिक्स, आपको याद ही होगा, यहां से सब कुछ चेंज हो गया भैया। ओलंपिक्स में मेडल जीत लिया ना, तब तो बल्ले बल्ले, पूरी सरकार मेहरबान, सेंट्रल गवर्नमेंट मेहरबान, स्टेट गवर्नमेंट मेहरबान, लोग मेहरबान, और मीडिया वाले तो बहुत मेहरबान, वो तो हीरो बना देते हैं। हालांकि दोस्तों जितना हो सके हमको स्पोर्ट्स बढ़ाना चाहिए, ओलंपिक्स में ढेर सारे मेडल लाने चाहिए, चाइना और अमेरिका जो है वो हमेशा आगे रहता है, और चाइना और अमेरिका में दोस्तों ओलंपिक्स की ट्रेनिंग बहुत ही पहले से शुरू हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है हम में और चाइना और अमेरिका में। तो हमको कहीं ना कहीं अपने पूरे स्पोर्ट्स सिस्टम को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि अभी हम देख रहे हैं कि बैडमिंटन के मामले के बैडमिंटन में अगर बात करें तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग PBL जो है वो भारत में हर साल होती है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए लीग्स चालू की हुई है, कबड्डी के लिए लीग्स चालू की हुई है, वॉलीबॉल के लिए लीग्स चालू की हुई है, क्रिकेट के लिए तो खैर IPL है ही, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, फुटबॉल के लिए लीग्स चालू की हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होगा कि राज्य भर से मतलब पूरे भारत से, भारत के अलग अलग राज्यों से ढेर सारे प्लेयर्स आते हैं जिनको पहले कोई एक्सपोजर नहीं था, इन लीग्स में उनको एक्सपोजर मिलता है और वो कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद 2014-2015 इनका बहुत बढ़िया गया, लेकिन 2015 में इनको इंजरी हो गई, इनको एंकल इंजरी हुई। अब स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में अगर इंजरी हो जाए, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में उसकी इंजरी होती है। अब यहां पे इनका ऑपरेशन हुआ, एंकल में इंजरी हुई, ऑपरेशन हुआ, इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ, फिर एंकल में इंजरी हुई, फिर ऑपरेशन हुआ,
प्रॉब्लम हुआ 2015-2016 में, इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं गया, इवन 2017 में भी, तब यहां पे इनको ऐसा लगा कि कहीं जो गोपी चंद है वो ध्यान जो है वो थोड़ा ज्यादा पीवी सिंधु को ले रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये बात मानी नहीं है दोस्तों, ये बात इन्होंने बोला नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको ये लग रहा था। अगर साइना की बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि मुझे अपना परफॉर्मेंस बहुत ही खराब लग रहा था, मैं बहुत ही इजिली हार रही थी, चाइना के प्लेयर्स आ रहे थे मुझे बहुत ही इजिली हरा के जा रहे थे, ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ था, जिंदगी में ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था और अब हो रहा था, तो फिर मुझे लगा कि शायद एक होता ही इंसान को एक बेटर प्रोस्पेक्ट की तरफ जाना होता है, तो मैं फिर दूसरे प्रोस्पेक्ट की तरफ गई। मैं कोच से मिली, कोच विमल जो कि उस समय बहुत बड़े कोच थे, उन्होंने, आज भी बहुत बड़े हैं, उन्होंने फिर बोला कि मैं तुमको नंबर वन बना सकता हूं और बिल्कुल बनाऊंगा, बस तुमको कुछ चेंज करने की जरूरत है अपने करियर में, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल में, और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे साइना नेहवाल पुलेला गोपीचंद के पास गई और उन्होंने बिल्कुल कन्फ्रंट किया और बोला कि सर हो सकता है शायद हम लोग का कोऑर्डिनेशन अब सही नहीं बैठ रहा है, तो ये बेटर है कि मैं थोड़ा सा अलग शिफ्ट हो जाऊं। तो यहाँ पे पुलेला गोपीचंद भी मान गए और साइना ने फिर बैंगलोर में शिफ्ट हो गए। बैंगलोर शिफ्ट हुई तब भी वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये होने वाली थी क्योंकि इससे पहले वो कभी भी अपनी मम्मी पापा से अलग नहीं हुई थी, यहाँ पे वो पहली बार बैंगलोर शिफ्ट हो रही थी। लेकिन उसके बाद इनका बहुत ही बढ़िया करियर रहा, उसके बाद दोस्तों इन्होंने सारे के सारे टूर्नामेंट्स जीते, ठीक है, लेकिन पुलेला गोपीचंद का साथ यही तक था। फिर दोस्तों 2017-2018 में भी इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और फाइनली 2015 में वो ऐतिहासिक मोमेंट आ गया जब ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई, वर्ल्ड नंबर वन 2 अप्रैल को सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी। ये शायद एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा मोमेंट होता है कि जो भी वो खेल खेल रहा है उसमें सबसे ऊपर, ये कमाल की बात, ये चीज है। उसके बाद फिर 2016 से इंजुरीज उनको स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली उन्होंने रिकवर की, ठीक है। 2017 में भी इन्होंने टूर्नामेंट जीते लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से नहीं जीते जैसे ये पहले जीती थी, और 2018 में भी इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर जीता, और हाल ही में दोस्तों 2019 में इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती और वो पीवी सिंधु के खिलाफ जीती थी। पीवी सिंधु से शायद 4 मुकाबले हुए हैं आई गेस, आप जरा चेक कर लीजिएगा, जिसमें से साइना नेहवाल हमेशा भारी पड़ी है। साइना नेहवाल बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, पीवी सिंधु अभी 24 साल की है, उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की हुई है, लेकिन वो भी कमाल का काम कर रही है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है, जहां पे भी जाती हैं मेडल्स लेके आती हैं, लेकिन साइना नेहवाल बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो साइना नेहवाल जब भी पीवी सिंधु से मिली है, पीवी सिंधु पे भारी पड़ी है, साइना नेहवाल ने हराया। हालांकि पीवी सिंधु भी एक बार जीती है और 3 बार साइना नेहवाल जीती है, हेड टू हेड 4 बार मिले हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है, अब ये कुछ देख लीजिए, आपको बता दूं कि इन्होंने 3 बार भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया और दूसरे ही अपीयरेंस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। एकलौती ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने हर BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हर मुकाबले में एक मेडल तो जीता ही जीता है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हो, लेकिन सारे मुकाबले में उन्होंने मेडल जीता है और ये पहली भारतीय है ऐसा करने वाली, ठीक है। फर्स्ट इंडियन फीमेल है और यंगेस्ट एशियन है जिन्होंने 4-स्टार टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने सबसे पहला अपना फिलीपींस में टूर्नामेंट जीता था, 4-स्टार टूर्नामेंट फिलीपींस में हुआ था 2006 में। तो ये यंगेस्ट है जिन्होंने पहला और सबसे अच्छा मूवमेंट, यही बताती है साइना नेहवाल। उसके बाद दोस्तों 2 सिंगल मेडल 2010 और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते, इसमें भी ये पहली भारतीय है, ठीक है। तो ये चीज 2016 में दोस्तों इनको पद्म भूषण दिया गया और उससे पहले इनको राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। साइना नेहवाल एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और इस समय 18th रैंक है इनकी मोस्ट चैरिटेबल एथलीट्स में, तो आप ये देख ही सकते हैं अच्छा काम भी करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपके जितना पैसा आता है आप उसका कुछ पार्ट अगर अच्छाई में लगाए तो आपको और ही मिलेगा, ये बहुत ही बढ़िया बात है। इनकी माताजी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, इनकी माताजी इनको बहुत ही ज्यादा प्रेरित करती हैं। जब इन्होंने शुरू में बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो इनकी माताजी ने इनसे बोला था कि मुझे ओलंपिक मेडल चाहिए, तब साइना नेहवाल थोड़ी सरप्राइज हो गई थी कि अरे अभी तो मैंने ट्रेनिंग शुरू की है और अभी मैंने स्टेट भी नहीं किया, स्टेट लेवल भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, और तब वो समझ भी नहीं पाई थी। लेकिन इनकी माताजी ने हमेशा इनको इंस्पायर किया है और आपको बता दूं इनकी माताजी कभी भी इनके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होती, जब भी ये कोई मेडल लेके आती है इनको बड़ी शाबाशी देती है, फिर बोलती है चलो बहुत शाबाशी हो गई अब वापस ट्रेनिंग पे चलो, ट्रेनिंग करो तुम और अच्छा कर सकती हो। तो ये चीज है, हमेशा दोस्तों जो मदर होती है वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है अपने बच्चों के लिए, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मैं बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।